हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अभी आप सेफ होंगे, घर में होंगे अपने. सो लेट्स यूटिलाइज दिस लॉकडाउन टाइम एंड अभी इंग्लिश के एक और क्विज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. तो एग्जाम पैटर्न अभी आप देखो तो लिटिल बिट चेंज हो गया है. नाउ हमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गए मैच द फॉलोइंग. तो यस, आज की इस वीडियो में मैं यही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो 5 क्वेश्चंस आज हम फटाफट से डिस्कस करते हैं मैच द फॉलोइंग की, कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें आपको क्या करना होता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम बात करेंगे इसका जो जनरल ओवरव्यू होता है जो हमें क्वेश्चन से पहले मिलता है. सो क्या ये क्वेश्चन है, लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं. सो गिवन बिलो ईच क्वेश्चन इज गिवन 2 columns. तो इसमें 2 columns आपको दिखाई देंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 हैज 3 phrases मार्क्ड एज 1, 2 एंड 3, वाइल द कॉलम 2 ऑल्सो हैज 3 phrases मार्क्ड एज 4, 5 एंड 6. तो यहाँ पे आपको 2 columns दिखाई देंगे, एक होगा कॉलम 1 और एक होगा कॉलम 2. तो 2 columns में डिवाइडेड होंगे. कॉलम 1 में आपको 1, 2 एंड 3 नंबर से आपको 3 phrases मिलेंगी एंड कॉलम 2 में आपको 4, 5 एंड 6 ऐसे करके 3 phrases मिलेंगी. अब 2 columns है हमारे पास, 6 phrases है. अब हमें इनमें 6 sentences का करना क्या है. सो मैच द फ्रेजेस मार्क्ड एज 1, 2 एंड 3 टू द वंस मार्क्ड एज 4, 5 एंड 6 टू मेक इफ पॉसिबल अ ग्रामेटिकली मीनिंगफुल सेंटेंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 columns में आपको 3 sentences 3 phrases मिलेंगी. आपको कंबाइन करना है, अगर बन सकता है उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस तो हमारा आंसर वही फ्रेज होगा, अगर नहीं तो फिर हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज. तो यानी कि हमें मैच करना है, जैसे हम बचपन में करते थे, बचपन में भी हमें मैच द फॉलोइंग बहुत सारे क्वेश्चन मिलते थे, तो वैसे ही हमें मैच करना है. बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस अगर बन रहा है तो ही उससे मैच करना है. तो जरूरी नहीं है कि हर एक फ्रेज का हर एक फ्रेज दूसरी आंसर हो ही, यानी कि हर एक फ्रेज मैच हो, इट इज नॉट कंपल्सरी. सो चलिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो हेयर यू कैन सी 2 columns हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें मैच करना है फ्रेजेस को. सो फ्रेज कॉलम 1 में पहली फ्रेज देखते हैं, द सॉल्यूशन लाइज इन एडवोकेटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म. तो हमें इसी से रिलेटेड जो इसको कंप्लीट कर सके, हमें ऐसी फ्रेज जो है वो इसमें ढूंढनी है. सो द सॉल्यूशन लाइज इन एडवोकेटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म. लेट्स ट्राई टू थिंक कि इसमें क्या हम कर सकते हैं. ह्यूमनिज्म एज डेमोक्रेसी सो एज टू कंबैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म. ह्यूमनिज्म फॉर अवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस, या फिर ह्यूमनिज्म विंस देयर सिंपैथी एंड एडमिरेशन. तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा इससे कंबाइन होके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. सो यहाँ पे सॉल्यूशन बात हो रही है कि एडवोकेटिंग ह्यूमनिज्म की वैल्यू और किसकी. तो यस, यहाँ पे हम देखें तो 1 के साथ हमारा 4 जो है वो मैच हो सकता है कहीं ना कहीं. तो ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म. तो यस, 1 और 4 जो है हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस बना रहे हैं. बाकी हम लेट्स सी कि सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ईच ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज, अब हमारा फर्स्ट तो आप देखो तो हो चुका है, बट फिर भी हम एक बार उसको कंबाइन करके देख लेते हैं, क्रॉस चेक. तो ईच ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कंबैट, नो कोई सेंस नहीं बन रहा. ट्रेजेडीज फॉर अवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस, कोई तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं बन रहा. देन ट्रेजेडीज विंस देयर सिंपैथी एंड एडमायरेशन, तो ट्रेजेडीज से किसी की सिंपैथी और एडमायरेशन भी विन नहीं कर सकते. तो यानी कि जो हमारा सेकंड है वो किसी भी दूसरी कॉलम 2 के किसी भी फ्रेज के साथ फिट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, जस्ट मेक श्योर. नाउ थर्ड सेंटेंस, इफ समीर हैज फिनिश्ड द वर्क, इफ समीर हैज फिनिश्ड द वर्क फॉर अवर टीम, नो कोई सेंस नहीं बन रहा. विंस देयर सिंपैथी एंड एडमायरेशन, नो. तो अब आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही सेंटेंस मिला है मीनिंगफुल सेंटेंस, दैट इज फर्स्ट फ्रेज और फोर्थ फ्रेज के साथ. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है. सो हेयर आर 5 options, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम में एंड इससे रिलेटेड इंश्योरेंस एंड ऑल एग्जाम में देखने को मिलेंगे. तो यस, हेयर वी हैव 5 options. तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस. तो कॉन्टेक्स्ट वाइज जो मीनिंगफुल सेंटेंस है हमें वो यहाँ पे पिकअप करना है, जो कि हमारा बन रहा था 1 एंड 4. तो अब आप देखो 2 एंड 5, 2 से हमारा कोई सेंटेंस मैच ही नहीं हुआ था.
थ्री एंड फाइव, सिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड भी हमारा मैच नहीं हुआ था. फर्स्ट एंड सेकेंड नो, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो हमारा एक ही मीनिंगफुल सेंटेंस बना था, दैट इज फ्रेज वन और फोर को मिला के. तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं. तो यस, आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो एग्जाम में ऐसे आपको तीन से चार क्वेश्चन, मैक्सिमम फाइव भी मिल सकते हैं. यस, प्री एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बिट बाय बिट जो है डे बाय डे चेंज हो जाता है एंड लिटिल बिट चेंज होता ही जा रहा है. सो नाउ ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस में अब आई गेस कि आपको समझ आ गया है कि आपको करना क्या है. एक फ्रेज उठानी है आपको, बाकी दूसरे कॉलम की तीनों फ्रेजेस से उसको मैच करके देखना है. अगर किसी से मैच होती है तो आपको वो नोट डाउन कर लेना है एंड ऑप्शंस आपको तो नीचे ही दिख जाएंगे, तो आप ऑप्शन वहां से मार्क कर सकते हो. अब जरूरी नहीं है कि एक ही आपकी फ्रेज बने या सारी ही बने. इट डिपेंड्स कि अगर मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको दिख रहा है दो फ्रेजेस बन रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन नंबर सी में आपको दो फ्रेजेस दिख रही हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ फ्रेजेस आपकी बन रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी फ्रेजेस ना बने, जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ई है. सो आई गेस कि अब आपको आइडिया लग गया है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से अप्रोच करना है. नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं. सो आप भी अपना सॉल्व कीजिए, मैं भी अपना सॉल्व करती हूँ. लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या आता है. सो कॉलम नंबर वन की फर्स्ट फ्रेज से स्टार्ट करते हैं. रोहन एडवाइज्ड टू हिज सिस्टर्स दैट दे शुड वर डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप, गो टू कॉलेज रेगुलरली एंड डू देयर अरेंज असाइनमेंट सिंसियरली. ऑफ शेक्सपियर तो था ये, सिक्स वाली तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है. अब आप देखो फर्स्ट के साथ हमारी मैच हो रही है फिफ्थ वाली स्टेटमेंट कि रोहन एडवाइज्ड टू हिज सिस्टर्स दैट दे शुड गो टू कॉलेज रेगुलरली एंड डू देयर असाइनमेंट सिंसियरली. तो ये यहाँ पे यस, इससे मैच हो सकती है. देन अगर आप देखो कि फर्स्ट वाले के साथ अगर हम फोर्थ वाला दें, तो फोर्थ वाला भी हमारा यहाँ पे सेंटेंस जा रहा है, बट इसका सेंस नहीं बन रहा है कैसे, वो देखो. दैट दे शुड, अब शुड के साथ हम वर का यूज तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इस सेंटेंस को, अब आपको पता है कि इसके साथ ये नहीं जाएगा, तो वहीं पर आप इसको क्रॉस कर सकते हो. तो फर्स्ट के साथ हमारी अभी मैच हुई है फिफ्थ वाली स्टेटमेंट. नाउ सेकेंड देखते हैं. द कस्टमर्स हु डाइड इन द प्लेन क्रैश were deprived of taking part in the championship, या फिर ऑफ शेक्सपियर इट वर्थ रीडिंग. तो अब आप देखो इसमें से आई डोंट थिंक कि कोई भी मैच हो रहा है, बाकी आप अपना आंसर मार्क करो, देखते हैं क्या आंसर करेक्ट होता है. नाउ थर्ड सेंटेंस इज दोज प्लेयर्स हु डिड नॉट एडहर टू द रूल्स ऑफ गेम्स वर डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैम्पियनशिप. तो यस, ये एब्सोल्युटली इसके साथ जा रहा है कि जो भी प्लेयर्स हैं जो गेम के रूल्स के साथ स्टिक नहीं हो सकते, वो पार्ट भी नहीं ले सकते चैम्पियनशिप में. तो यस, यहाँ हमारे दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन रहे हैं, दैट इज वन एंड फाइव एंड थ्री एंड फोर. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है. सो हेयर आर अवर फाइव ऑप्शंस, वन एंड फाइव, टू एंड सिक्स, टू सिक्स, वन फाइव, थ्री फोर, या फिर थ्री और सिक्स. तो यस, हमारे पास यहाँ पे दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस थे, दैट इज वन एंड फाइव, थ्री एंड फोर. तो क्या मैं करेक्ट बोल रही हूँ? तो यस, हमारा जो आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो फर्स्ट एंड फिफ्थ है एंड थ्री एंड फोर्थ है. अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग आपको दो मिलेंगे, एक ए वाला एंड एक सी वाला. अगर आप सिर्फ एक सेंटेंस करके मैच छोड़ दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब देखो फर्स्ट के साथ फिफ्थ यहाँ पे भी है ए ऑप्शन में भी एंड फर्स्ट के साथ फिफ्थ हमारा सी ऑप्शन में भी है. लेकिन उसके बाद अगर आप देखो सेकेंड और सिक्स जिसका कोई मैच ही नहीं था, वो भी यहाँ पे ऑप्शन में है. तो आपको सारे सेंटेंसेस को मैच करना पहले जरूरी है, अदरवाइज आप ऐसे ऑप्शंस में गलत टिक करके आ जाओगे. अब हमें पता है कि हमारा सेकंड सेंटेंस के साथ कोई मैच ही नहीं था, दैट इज व्हाई हम सेकंड अगर आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे. नाउ हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था फर्स्ट, हमारा फिफ्थ के साथ मैच हुआ था एंड थर्ड वाली फ्रेज फोर्थ वाली के साथ. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन, चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं. The hostel warden of the city college asked students to return to the hostel before sunset. Yes, first के साथ fourth absolutely match हो रहा है, लेकिन हमें सारे options देखने हैं. Asked he may go home, no. Lies in the signs, no. गलत है. तो first के साथ हमारा fourth फटाफट से match हो गया. Now second one is the genesis of all the latest innovations lies in the signs. ये automatically हमारा correct हो गया, क्योंकि अभी हमने sentence पढ़ा था, ऐसे आप mind में भी रख सकते हो. Yes.
सच अ हेल्पफुल एंड जेन्युइन फीमेल ही मे गो होम. तो नो, हमारा थर्ड वाला सेंटेंस किसी के भी साथ मैच नहीं हो रहा. तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ एंड सेकंड वाला सिक्स के साथ. लेट्स सी हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो सेकंड वाला सिक्स एंड फर्स्ट फोर्थ. तो यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया. लेट्स सी आंसर. तो यस, वी आर करेक्ट. हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सीक्वेंसेस सेकंड वाला सिक्स के साथ हमें मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है एंड फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ. नाउ अब आप देखो, अगर आप ये पांच क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो, तो कितनी जल्दी आप इनको सॉल्व कर सकते हो. आपको पांच क्वेश्चंस के लिए हार्डली 3 या 4 मिनट्स लगेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. यस, प्री एग्जाम में आपको इतने इजी मिल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. राघव ऑल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपथाइज द शी वॉन्टेड हिम टू डील नो at others without any apparent reason no but none has arrived yet no. Hamara first wala sentence kisi ke bhi sath nahi match ho raha hai. Now second one is Sushila postponed his going to Bengaluru tonight as she wanted him to deal with one of her major problems. To aap dekho ki yes, ye kahin na kahin match ho raha hai, lekin meaningful sentence nahi ban raha hai ki Sushila ne postpone kiya his going. To uski going yani ki apne husband ki ya bhai ki kisi ki bhi going ko cancel kiya. Kyun? As she wanted him to deal with one of her major problems. Now let's see second sentence. Sushila postponed his going to Bengaluru tonight as she wanted him to deal with one of her major problems. तो यस, अब आप देखो इसके बाद हमें और सेंटेंस देखने की जरूरत भी नहीं है. हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हमारा सीक्वेंस भी फटाफट से बन गया है, मीनिंग भी बन गया है कि उसने पोस्टपोन किया उसकी गोइंग, हिज गोइंग, क्योंकि वो चाहती थी कि वो ही वॉन्टेड हिम टू डील विद वन ऑफ हर मेजर प्रॉब्लम्स. तो सेकेंड वाला हमारा मैच हुआ फोर्थ वाले फ्रेज के साथ. Now last one देख लेते हैं. The tramps whom we had suspected at others without any apparent reason no but none has arrived yet. So the tramps की बात हो रही है. Tramps whom we had suspected but none has arrived yet. तो नहीं, यहाँ पे इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है. तो यानी कि हमारा एक ही मीनिंगफुल यहाँ पे फ्रेज बना है जो कि 2 और 4 को मिला के है. So let's see our options. तो ऑप्शंस में हमें देखना है 2 एंड 4 जो कि हमें दिखा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ यस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 एंड 4 फ्रेज को मिला के. नाउ लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन आप साथ साथ सॉल्व कीजिए मेरा. प्रभु ऑर्डर्ड सम बुक्स एंड पेंसिल्स टू बी कल्पेबल टर्न आउट टू बी इनोसेंट नो, कोई सेंस नहीं है. शी वुड हैव फाउंड रोहन देयर नो. विद देम इन द मोमेंट्स ऑफ मेलनकॉली नो. तो आप देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा किसी के साथ भी कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं दे रहा है. नाउ सेकेंड फ्रेज इज हैड समीरा केम इवन अ मोमेंट अर्लियर शी वुड हैव फाउंड रोहन देयर यस, इसके साथ हमारा ये सेंटेंस बन रहा है. अब मैंने इसके साथ यही क्यों पढ़ा, क्योंकि पहले सेंटेंस के लिए मैंने तीनों फ्रेजेस पढ़ ली थी. तो यस, दिस इज द ट्रिक जो मैंने आपके लास्ट के लिए सेव करके रखी थी. तो लास्ट तक जो वीडियो जिन्होंने देखी है यस, उनके लिए बेनिफिट पॉइंट है. तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फर्स्ट फ्रेज लो देन सेकेंड कॉलम की तीनों फ्रेज पढ़ लो, उसके बाद आप 2 फ्रेज पढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि यस इस फ्रेज के साथ कौन सी मैच हो रही थी, एंड आपको फ्यू सेकेंड्स लगेंगे फिर इसको सॉल्व करने में. Now Rihanna don't appreciate those who succeed to be culpable turn out to be innocent no and with them in the moments of melancholy. तो यहाँ पे दोनों ही incorrect है, यानी कि हमारा एक ही sentence यहाँ पे बन रहा है जो कि phrase 2 and 5 को मिलाकर है. Let's see our options and answer. तो yes, हमें 2 and 5 दिख रहा है option number D में. तो yes, question number 5 के लिए our correct answer is option number D 2 and 5. तो आज हमने यहाँ 5 questions डिस्कस किए न्यू पैटर्न पे मैच द फॉलोइंग के, जो कि आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए एंड यस SSC के एग्जाम में भी आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वी नेवर नो एग्जाम का पैटर्न चेंज धीरे धीरे हो रहा है. अगर हर एक साल के बाद जो भी एग्जाम पेपर उठाओ तो आपको लिटिल बिट चेंज जो है मिलेगा ही मिलेगा.
तो इंग्लिश में अब आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसमें से एक पैटर्न आज हमने चूज किया था। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई है। कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्प मिली है इससे। अगर ऐसा है तो लाइक करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके। सो आज की वीडियो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आप अपना लॉकडाउन का टाइम है, सभी एक्सटेंड हो गया है, 3rd of May तक आपको घर में ही रहना है, तो आप इस टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हो बाय स्टडी करके। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, एंड साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, एंड आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ और नया टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।